वो गोल्ड पहन लूंगा यार। क्रिस्पी, सॉल्टी एंड लाइट। वैसे तुम कुछ भी पहन लो, मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं लगोगे। ब्राइट सर, ब्राइट कर देगा ना? नहीं? हाँ, पर नया ब्राइट कोरमे से कड़ाही तक हर दाग वाइप कर देगा, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। देखूं मैं हर रोज कल की तैयारी, अच्छाई के लिए खड़े होने की, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में इनकी कल की तैयारी कभी ना रुके। इसीलिए टैंग विटामिन सी डी और जिंक का रिफ्रेशिंग सोर्स, जो इम्यूनिटी, एनर्जी और मेंटल शार्पनेस की डेली जरूरत को सपोर्ट करे, ताकि आपके बच्चे रहें रिफ्रेश और सीखें अच्छी बातें। टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। प्रिंस की पावर रिस्टोर करनी होगी, पर उसके लिए चाहिए प्रिंस चॉकलेट की बड़ी पावर, बिगर प्रिंस बिस्किट, और भी ज्यादा रिच और क्रीमी, मोर चॉकलेटी, बिगर एडवेंचर। यस, प्रिंस चॉकलेट बिस्किट, बिगर एडवेंचर। पाओ नया निखार, सैंडल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। वाओ, दोनों ने मुंह धोया, मुझे सिर्फ इतना सा ग्लो मिला और तुम्हें इतना सारा। तुमने सोप यूज किया जिससे बस धूल निकली, तो इतना सा ग्लो, इतना सारा ग्लो चाहिए तो ग्लो एंड लवली फेस वॉश। ये चेहरे से धूल चिपचिपाहट निकाले और दे विटामिंस का भरपूर ग्लो। ग्लो एंड लवली फेस वॉश। आज होगा टक्कर का मुकाबला, बिहारी अचार और तेल का तड़का, अब इन्हें सिर्फ एक चक्कर में करेगा साफ नया एरियल। नामुमकिन। तो हो जाए मुकाबला, एक को धोएंगे आम पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से। नया और बेहतर एरियल, जिसमें है क्लीनिंग बूस्टर्स जो करे जिद्दी दागों का सफाया। तो किसने दी एक चक्कर में दागों को टक्कर? पाओ नया निखार, सैंडल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। हेलो हेयर, एक प्रोटीन शैम्पू प्लस कंडीशनर, मीट द न्यू यू। पाओ नया निखार, सैंडल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। बिगर प्रिंसेस और भी ज्यादा रिच और क्रीमी, मोर चॉकलेटी। सना रेडी हो गई? हुपोर सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े, आज कोट केस है ना अम्मी? इतने सालों बाद पुप्पो से ऐसे मिलोगी, तो उन्हें भी देखने दे, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टी विटामिंस गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। क्रिस्पी, सॉल्टी एंड लाइट। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का। सर, आज की बिजनेस न्यूज मैं कवर कर लूं? सर, इनका हेयर स्टाइल देखा, पार्टीज के लिए सही है। ये क्या बिजनेस न्यूज कवर करेंगी? अभी आपने मेरा स्टाइल देखा ही कहाँ है। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और कैरेटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे दो गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। जब बाल हो थे, कोई भी स्टाइल करो पिक। ओह नो, कजन का फर्स्ट फंक्शन ऑन माय फर्स्ट डे, अगर स्टेन लग गया तो? उन दिनों में एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ट्राई द न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग, जो दे आम पैड के मुकाबले 1-2-3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन। एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ्फुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग। पर वक्त पहुंचा रहा है रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, सिर्फ बोल न्यूज़ पर। प्रिंस अली मैं यहां।
प्रिंस की पावर रिस्टोर करनी होगी, पर उसके लिए चाहिए प्रिंस चॉकलेट की बड़ी पावर, बिगर प्रिंस बिस्किट, और भी ज्यादा रिच और क्रीमी, मोर चॉकलेटी, बिगर एडवेंचर। यस। प्रिंस। प्रिंस चॉकलेट बिस्किट, बिगर एडवेंचर। अपनी लाइफ है नॉट सो इजी इजी इजी, लास्ट मिनट कैट मेक इट, क्या करूं क्या टेक इट, अकेले विद मूवी की टू टू टिकट्स, जब टाइम और लक तुम पर करेंगे बम, जस्ट पर्क अप, जस्ट पर्क अप। अब एक नए लुक के साथ पर्क में है चॉकलेट में डूबे हुए लाइट क्रंची वेफर्स, जो करे हर लाइट टेंशन को पर्क अप, जस्ट पर्क अप, जस्ट पर्क अप। खबरों में खुशामदीद, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ का अलविदाई दौरा किया है। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ का अलविदाई दौरा किया है। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी दी है। नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी सलमान, मौके पर जैसे कि आपने बताया कि यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट तकरीब थी आज GHQ में वो आर्मी ऑडिटोरियम में शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए खसूसी तकरीब थी। और उस तकरीब के मेहमान खसूसी शहबाज शरीफ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब भी किया और अपने खिताब में मादरे वतन के दिफा के लिए मुसल्ला फौज की कुर्बानियों को सराहा और खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया शहदा की कुर्बानियों का, गाजियों की कुर्बानियों का और उनके अहले खाना की कुर्बानियों का मादरे वतन के दिफा के हवाले से। वज़ीर आज़म का कहना था कि शहदा और गाजी जो है पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान का फखर है और जो उनकी इज्जत और एहतराम है वो हर पाकिस्तानी के ऊपर लाजिम और मलजूम है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी कौम कभी अपना अमन और आज़ादी जो है वो शहदा और उनके जो गाजी हैं उनकी कुर्बानियों की बदौलत हासिल नहीं कर सकते थे। हमारे सपूतों ने, हमारे बेटों ने मुसल्ला फौज में जो शामिल थे उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जानों के अजीम नजराने पेश किए हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम एक पुरान जिंदगी गुजार रहे हैं और हमें आज़ादी जो है वो हासिल है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने शहदा के और गाजियों के अहले खानों को सलूट पेश किया, खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उन्होंने अपने प्यारों को, अपने बेटों को, अपने शौहरों को, अपने भाइयों को पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया। और इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि अब ये हमारा फर्ज है, हमारी अव्वलीन ड्यूटी होना चाहिए कि हम जो शहदा और गाजी हैं उनकी कुर्बानियों का इदराक करें और उनको उनका जो इज्जत मकाम और मर्तबा जो है वो अता करें, क्योंकि उन्होंने अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अपने हमवतनों की तरक्की और खुशहाली और अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन लोगों ने शहदा की यादगारों की बेहरमती की उनके जो चेहरे हैं वो इस मुल्क की तारीख के अंदर हमेशा क्या चेहरों के तौर पर याद रखे जाएंगे और पाकिस्तान के जो काबिल फखर अवाम है, पाकिस्तान की गयूर अवाम है, वो उन क्या चेहरों को कभी नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने, जैसे कि हम कह रहे थे कि आर्मी ऑडिटोरियम में होने वाली खसूसी तकरीब थी, उन्होंने खसूसी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी ऐलान किया जो कि 70 शहदा के खानदान जो है उनको दी गई है। और इसके अलावा 30 ऐसे अफराद थे जो कि जंग में, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में या दरफर्ज की अदायगी के दौरान वो माजूर हुए, जख्मी हुए, उनके लिए भी वज़ीर आज़म की जानिब से खुसूसी माली आनत का ऐलान किया गया। इसके अलावा जो शहदा हैं उनके अहले खाना या उनके बच्चे जो हैं उनके लिए जो तालीम का सिलसिला इस वक्त जारी रखे हुए हैं उनके लिए वज़ीर आज़म की जानिब से लैपटॉप भी तकसीम किए गए। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसलात के लिए सलमान। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिनकी जानिब से आज GHQ का ये अलविदाई दौरा किया गया है और इस मौके पर यादगार शहदा पर उन्होंने हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और आज ये एक अहम तकरीब भी मुनाकिद की गई थी GHQ रावलपिंडी में पाक फ़ौज के शहदा के अहले खाना और गाजियान के एज़ाज़ में। इस मुनाकिदा तकरीब से वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कोने कोने में रहने वाले हमारे शहदा के वर्सा और गाजी जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए वो अजीम कुर्बानियाँ दी हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इन कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। शहदा ने आँखों में आँखें डालकर मौत का सामना किया, पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने से आज तक कुर्बानियों का ये सिलसिला जारी
ساری ہے اس موقع پر وزیراعظم کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ کل حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی اور اقتدار نگراں حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا سلمان عوان ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان یہ اعلان بھی کیا گیا ہے آج وزیراعظم کی جانب سے کہ کل حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی اقتدار نگراں حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا وزیراعظم کی جانب سے کیا کہا مزید بتائے گا جی بالکل اس بات کا اعلان تو پہلے بھی پرائم منسٹر کی جانب سے کیا جا چکا ہے اور یقینی طور پر آج جو ان کا جی ایچ کیو کا دورہ ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج 8 تاریخ ہے اور وزیراعظم کی جانب سے کہا جا چکا ہے کہ 9 تاریخ کو نگران قومی اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کر دیا جائے گا سمری جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی صدر مملکت کو اور اس کے بعد جو اسمبلیوں کی تحلیل کا عمل جو ہے خاص طور پر قومی اسمبلی کی ہم بات کریں وہ شروع ہو جائے گا تو آج ان کا اس موقع پر آخری ایک ہم کہہ لیں کہ جو ان کے ورکنگ ڈیز ہیں اس کے اندر پرائم منسٹر کا دورہ جو ہے یہ سمبولک بھی ہے اور خاص طور پر جو انہوں نے تقریب جو کہ وہاں پر منعقد ہوئی اس میں شرکت کی اس سے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ پیغام جو ہے وہ جاتا ہے اس کے شہدا اور غازیوں کے اہل خانہ کے ساتھ سلمان بہت شکریہ آپ کا خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیے Full News Headquarter. MNU perfume body sprays for men and women. Never let me go. Pao Naya Nikar Sandal Beauty Cream. Ye khas hai. Prince Chocolate Biscuit. Bigger biscuit, bigger adventure. Skin ka glamour jagaye. Care beauty soap. پاؤ نیا نکھار سندل بیوٹی کریم یہ خاص ہے پرنس چاکلیٹ بسکٹ بگر بسکٹ بگر ایڈونچر کیا ہوا اسکول میں لڑکیوں نے تنگ کیا بیٹھو یہ دیکھو تمہارے بال انہیں کھینچو مڑوڑو تنگ کرو انہیں چوٹ لگتی ہے کیونکہ یہ مضبوط ہیں تم بھی تو مضبوط ہونا ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو سر سے مضبوط جڑ سے مضبوط لائف بوائے شیمپو کا ملک پروٹین اور ایلو ویرا فارمولا بنائے اس کے بالوں کو مضبوط لائف بوائے شیمپو تم مضبوط ہو اب ہیلو ہیئر ہربل شیمپو کے ساتھ اپنے بالوں کو بنائے تھک اینڈ اسٹرانگ وہ بھی پاکٹ فرینڈلی پرائس میں گولڈن پرل ہیلو ہیئر ہربل شیمپو بال مضبوط پاکٹ فرینڈلی پاؤ نیا نکھار سندل بیوٹی کریم یہ خاص ہے سکن کا گلیمر جگائے کیئر بیوٹی سے اتنا قریب کھینچ لایا احساس میرا گلیمر میری سکن کیئر بیوٹی سے چار مہکتے انداز کیئر سے بہتر کیا دیکھوں میں ہر روز کل کی تیاری اچھائی کے لیے کھڑے ہونے کی اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں ان کی کل کی تیاری کبھی نہ رکے اس لیے ٹینگ وائٹمن سی ڈی اور زنک کا ریفریشنگ سورس جو امیونٹی انرجی اور مینٹل شارپنس کی ڈیلی ضرورت کو سپورٹ کرے تاکہ آپ کے بچے رہیں ریفریش اور سیکھیں اچھی باتیں ٹینگ بنائے بہتر مستقبل روزانہ پاؤ نیا نکھار سندل بیوٹی کریم یہ خاص ہے 2 گھنٹے ہو گئے اتنی بھوک لگی ہے کل شادی ہے اور تم نے ڈیسائیڈ بھی کیا تم نے کون سی شیروانی پہننی ہے وائٹ یا گولڈ جب عمر قید ہو ہی رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے وائٹ ہو یا گو بلیم دی بھوک گولڈ پہن لوں گا یار کرسپی سالٹی اینڈ لائٹ ہلکی پھلکی بھوک سر آج کی بزنس نیوز میں کور کر لوں سر ان کا ہیئر اسٹائل دیکھا پارٹیز کے لیے صحیح ہے یہ کیا بزنس نیوز کور کریں گی ابھی آپ نے میرا اسٹائل دیکھا ہی کہاں ہے نیا سنسلک تھک اینڈ لانگ اس میں ہے یوگرٹ پروٹین اور کیراٹن کا سپر مکس جس سے بال دکھے 2 گنا زیادہ گھنے اور ممکن کرے ہر ہیئر اسٹائل
जब बाल हो थे कोई भी स्टाइल करो पिक। भाई बहुत दिन हो गए हैं, घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। आप कहें तो फंक्शन रख लें, क्यों ना सभा की मंगनी कर दें, कोई क्यूट सा लड़का देखते और जल्दी से बात पक्की। एक्सक्यूज मी, इसे क्या हुआ? दरअसल सभा मास्टर्स करना चाहती है। मेरी दुआ है कि तुम मास्टर्स करो, पर आप तो और फिर हम तुम्हारी ग्रेजुएशन धूमधाम से मनाएंगे। अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। Full News Headquarters. वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में केपी में एमपीएस को तरक्याती फंड्स के इजरा के खिलाफ केस के हवाले से अदालत ने केपी में अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स के इजरा से मुतालिक केस गैर मौसर होने पर निपटा दिया। केपी में अरकान असेंबली को फंड्स के मामले को कैसे चैलेंज किया गया, जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कहा गया बतौर साबिक एमपीए कुछ मखसूस हलकों में तरक्याती फंड्स के इजरा को चैलेंज किया था। वकील खुशदिल खान ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एमपीएस को फंड्स दिए थे लेकिन अब असम्बली तहलील हो चुकी है। तरक्याती फंड्स के इजरा से मुतालिक एक केस सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है। ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। राजा परवेज अशरफ केस में वाजे कर दिया गया था कि अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स का इजरा नहीं किया जा सकता। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा अगर रुकन असेंबली तरक्याती कामों के लिए फंड्स का तकाजा कर रहा है तो उसने अपने घर तो नहीं लेकर जाना। और आपको खबर दें कि पिशावर बटबेर पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना बटबेर में एसएचओ की मुदय्यत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। कोहाट रोड पर दहशत गर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की, फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद, दो जख्मी हुए थे। ये वाकया 6 अगस्त को पेश आया था जिसकी FIR दर्ज कर दी गई है। खबर है जना हाउस हमला जलाओ घेराव के वाकयात के तहत मुकदमात, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। फवाद चौधरी, अलीमा और अजमा खान की अबूरी जमानत में भी तौसी की गई है। सदादरे दहशतगर्दी अदालत ने जमानत में 17 अगस्त तक तौसी की है। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव से मुतालिक ये मुकदमात हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में तौसी की गई है। और अब बात करेंगे तोशाखाना केस की। चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील समाप्त के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच अपील पर कल समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस महमूद समाप्त करेंगे। तोशाखाना केस के वाले से आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ ये अपील जो है वो समाप्त के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच कल इस अपील पर समाप्त करेगा। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। खबरों से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। सर्फ एक्सेल हफ्ता पैक 99 रुपए में चले पूरा हफ्ता। पाओ नया निखार संदल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। स्किन का ग्लैमर जगाए केयर ब्यूटी से इतना करीब खींच लाया एहसास ये रशनीसा। मेरा ग्लैमर मेरी स्किन केयर ब्यूटी से 4 महकते अंदाज केयर से बेहतर क्या हुँ? पाओ नया निखार संदल ब्यूटी क्रीम, ये